वड्डी खबर आ रही है जिथे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हनी सेठी नू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो तुहानू दस दिए कि महिला दीआं फोटोआं दे नाल छेड़छाड़ करन दे उहनां ते इल्जाम लगे सी, जिस नू लैके पुलिस दे वल्लों इन्हां दी गिरफ्तारी की गई है। तो दस दिए कि महिला विदेश दे विच रहिंदी सी जो कि हुण इंडिया आई हुई सी, तो उसदे वल्लों हनी सेठी ते इल्जाम लगाए गए ने। तो दस दिए कि लुधियाना के सोशल मीडिया से अक्सर ही अपनी गल कहण वाले हनी सेठी नूं हुण पुलिस दे वल्लों गिरफ्तार कर लिया है ते हुण अदालत दे विच पेश कीता जाएगा। तो दस दिए कि बीते दिनी इन्हां दे उत्ते एक कुड़ी दे वल्लों खुद दीआं तस्वीरां दे नाल छेड़छाड़ करन दे इल्जाम लगाए गए सी। तो इस नूं लैके लड़की भी मीडिया सामने आई, जिसने कहा कि वह कुछ वेला पहला ही कनेडा तो आई है। उन्हां कहा कि हनी सेठी अते उसदे एक होर साथी वल्लों उसनूं तंग परेशान किया जा रहा है ते नाल ही उसकी तस्वीर नू एडिट करके गलत तरीके दे नाल पेश किया जा रहा है। इन्ना ही नहीं, उस दीआं तस्वीरां ते गलत टिप्पणियां भी कीतियां जा रही हैं, जिसकी शिकायत उसने लुधियाना पुलिस नू दित्ती सी, जिस तो बाद लुधियाना पुलिस ने हनी सेठी नू गिरफ्तार कर लिया। तो उन्हां नू अदालत दे विच लियांदा गया है। तो उधर ही पीड़ित पक्ष के वकील ने यह भी दस्सिया कि इस दे विच दो मुलजम शामिल ने। उन्हें कहा कि हनी सेठी नू गिरफ्तार कर लिया है, जबकि विदेश दे विच बैठा एक होर मुलजम जिस नाल हनी सेठी दे लिंक ने उसकी भी गिरफ्तारी हले बाकी है। इस संबंधी कानून मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि उन्हें यह भी दस्सिया कि अजिहा करन पिछे उन्हों का की मंतव सी हले तक यह साफ नहीं हो सकिया। ते नाल ही उन्हें दस्सिया कि यह अजिहा काम करके लड़कियों नू ब्लैकमेल करते होणगे। हाँ जी, उहदे विच इन्हां ने मेरिया पिक्चर्स लैके उन्होंने मिसयूज़ किया है। मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा गंदी जो शब्दावली आप सुन नहीं सकते हनी सेठी ने। हाँ जी, तो इस करके बस उस दे बिहाफ ते ये जिहड़ा मुकदमा दर्ज होया। गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रही है? हाँ जी, मतलब मैं चाहनी है कि जिस तरह अजकल दे टाइम विच है ना, कदी भी किसी भी कुड़ी नूं कोई गलत बोलता है तो उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। तो कुड़ियों को डरना नहीं चाहिए, हमेशा अपनी रिस्पैक्ट लिए मतलब है ना आगे आना चाहिए। तो मैं ये चाहनी है कि जो उन्हें किया उन्होंने उस चीज़ की सज़ा मिले। सर, लगता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैगा है, उहदे काफ़ी फॉलोअर्स ने, तो जो इदा की कोई गल करता है तो बहुत सारे लोगों से जाती है तो गलत इमेज खराब हो जाती है? नहीं नहीं, मैं देखती हूँ सिर्फ सोशल मीडिया के उपर आप कहने ना कि धियां भैणा की इज्जत करो, वो सिर्फ सोशल मीडिया से तक ही नहीं होना चाहिए, सगो जी रियल लाइफ है आप लोगों दी कुड़ियों दी फोटोआं लगा के उन्होंने गाला कढ़ रहे हैं है ना, गंदी लैंगुएज यूज़ कर रहे हैं, ये सारिया चीज़ा बोलन नाल नहीं रियलिटी विच भी करनिया चाहीदियां ने। तो लगता है जिस तरह का स्वरूप है उन्हें दा सिखी स्वरूप है, सो जिहे स्वरूप दे विच आके इदां दी लैंग्वेज दा इस्तेमाल करना तो कितने कितने नहीं, बहुत गलत है, बहुत गलत है। कुड़ियां दी अजकल दे टाइम विच कुड़ियां मुंडियां नालों घट नहीं हैगियां, तो इस करके उन्हां दी रिस्पैक्ट भी उन्नी ही होनी चाहिए है। हाँ जी, जरूरी गल है, जरूर तुहाडा सोशल मीडिया तो बोले किन्नी देर हो गई, किन्ना टाइम हो गया? महीना का हो गया। हाँ जी, कोई उन्हें दबाव भी पाया यूरोप कैनेडा सारे पासे गई हुई है, उत्थे तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। कारण की है, क्यों तुहानू टारगेट कीता, की मतलब रीजन की है इस गल्ल दा? तुहाडे नाल कोई पहला कोई गलबात कोई जान पहचान? बस रीजन यही सीगा कि मैं प्रिंकल दी बिजनेस पार्टनर सीगी, तो मेरे थ्रू वो प्रिंकल नू भी डीफेम करना चाहते थे, तो मैनू भी डीफेम करना चाहते थे, जस्ट यही उन्हों का मोटिव सीगा। देखो जी, इनू बदनाम करने लिए ये साड़ी अपना लड़के जी नवजीत कौर है, मैं इन्हों का वकील हाँ, इनू बदनाम करने लिए ये अश्लील शब्द वरते गए, अश्लील इहदियां फोटोआं कट वट करके उन्हों कंप्यूटर के एडिट करके फेसबुक पर पाई गई, मीडिया से पाई गई, जिद बदनामी की गई है। एंड कंप्यूटर के जड़ी नॉलेज होंगी जोड़े बंदे उन्हें उस मुताबक इस लड़की नू बदनाम करने उन्हों एडिट किया कंप्यूटर के नाल छेड़खानी करके, कंप्यूटराइज जोड़े तरीके करने आई टी एक्ट के उत्ते केस धारा लगिया ने। बाहर बैठे विदेश बैठा भी जोड़ा अवि सिद्धू है, वह भी ये खिलाफ बयानबाजी करता पाया, तो इतने एक मुलजम पकड़िया गया, अज उन्हें पेश करेंगे अदालत में, तो कोशिश करा वो होर भी कई चीज़ा निकल ए अवि सिद्धू किया गया, हनी सेठी को किया गया, जानते हैं जी दोनों एक दूजे रल के फेसबुक पर वो करके बयानबाजी कट्ठे करते हैं, एंड एक दूजे के जो कमेंट होंगे ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 400 ਦੇ ਵਿੱਚ 67 ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ITI ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਕਿੰਨਾ-ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦਫਾਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਡਿਊਟੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਡੈਫਾਮੇਟਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੋਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇੰਟਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਰੇਗਾ